जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार की फिल्म जॉली एलएलबी 3 की शूटिंग फाइनली स्टार्ट हो चुकी है और इस फिल्म के अंदर से जुड़ी हुई काफ़ी बड़ा अपडेट हमको देखने को मिल रहा है। जहां तक हमको अपडेट में पता चल रहा है कि इस फिल्म के अंदर टाइगर श्रॉफ का बेस्ट कैमियो आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। तो इस फिल्म के अंदर आपको अक्षय कुमार और अरशद वारसी के साथ आपको टाइगर श्रॉफ भी देखने को मिल सकते हैं। और वहीं आपको बता दूं तो अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जॉली एलएलबी की शूटिंग जो है वो फाइनली स्टार्ट हो गई है। हाल ही में एक्टर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे एक मजेदार वीडियो शेयर करते हुए इस फिल्म की घोषणा की थी। खैर, अभी इस फिल्म से जुड़ी हुई एक अपडेट और हमको मिल रही है कि इस फिल्म के अंदर हुमा कुरैशी की भी एंट्री हो चुकी है और कास्ट में शामिल होते ही वो राजस्थान के अजमेर के लिए निकल चुकी हैं। वहीं आपको बता दूं तो इस फिल्म की शूटिंग जो है काफी तेजी से की जा रही है। वहीं आपको इस फिल्म की जो शूटिंग है वो दिल्ली में होते हुए भी दिखाई देने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट हमको यही देखने को मिल रहा है कि टाइगर श्रॉफ की एंट्री भी इस फिल्म के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। तो एक बार फिर से अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ आपको इस फिल्म के अंदर दिखाई देने वाले हैं। हाल ही फिलहाल में एक और फिल्म आई थी इन दोनों की, जिस फिल्म का नाम था बड़े मियां छोटे मियां। वो फिल्म तो थिएटर के अंदर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी और अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या सच में टाइगर श्रॉफ की एंट्री इस फिल्म के अंदर होती है, और होती है तो इस फिल्म को वो कितना बचा पाते हैं। बाकी आपको ये अपडेट कैसा लगा हमको कमेंट करके जरूर बताएं।